और चलिए अब आपको बताते हैं कि आरजेडी के नेता बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और रोहिणी आचार्य के भाई तेजस्वी यादव का इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहना है। आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, दो लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के दो लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार के बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए। तो चलिए ये तो हुई सियासी बयानबाजी की बात, लेकिन आपको बता दें कि आखिर ये पूरी घटना क्या है, क्योंकि बिहार की सारण सीट से लोकसभा सीट की उम्मीदवार हैं रोहिणी आचार्य और कल हुए मतदान के दौरान दो पक्षों के बीच में इस मामले को में यहाँ पर वाद विवाद हुआ जो पूरी संघर्ष में बदल गया। एक व्यक्ति की शख्स इस घटना के दौरान मौत भी हुई है जबकि दो लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कल बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच एक मतदान केंद्र के पास झड़प हुई थी जिसका वीडियो वायरल हुआ था। आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेताओं के घर पर पहुंचकर उनके साथ मारपीट की कोशिश की। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच में काफी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। दोनों पक्षों के अंदर जमकर गोलीबारी भी हुई है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर फिलहाल तनाव की स्थिति है। पुलिस की तैनाती यहां पर की गई है, लेकिन सड़क पर अब भी जो बिखरा हुआ सामान है वो इस घटना की गवाही देता है कि किस तरीके से बीजेपी और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो कल आपस के अंदर भिड़ गए थे। सारण की सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो हैं वो उम्मीदवार हैं और इस सीट से उनका मुकाबला राजीव प्रताप रूड़ी से है और ऐसे में दोनों पक्षों के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में भिड़ंत भी हुई है। तो देखिए किस तरीके से हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही दूसरी तस्वीर में आपको देख रहे हैं आप कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य जो हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंची थी और इसी का जिक्र रोहिणी आचार्य भी कर रही थी कि ये बतौर उम्मीदवार उनका हक है कि वो मतदान केंद्रों पर जाकर इस चीज़ की जाँच कर सकें, पड़ताल कर सकें कि कहीं कोई फर्जी वोटिंग तो नहीं हो रही है, मतदान सुचारू तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसी की पड़ताल करने के लिए जब वो वहाँ गई थी उनकी कुछ कार्यकर्ताओं से बहस हुई जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उसी के बाद ये सारा विवाद जो है वो बढ़ गया। इसके अंदर जो गोलीबारी है उसका आरोप रोहिणी आचार्य ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से गुंडागर्दी की गई। तो दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सारण के अंदर तनाव की स्थिति है। सारण की सीट से आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और सारण के अंदर किस तरीके से एक छोटा सा विवाद जो है वो गोलीबारी की घटना के अंदर तब्दील हो गया, किस तरीके से तोड़फोड़ हुई और इस पूरी घटना के अंदर एक शख्स की मौत हुई है, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। सारण के खूनी संग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए। लाठी डंडों के साथ साथ पथराव किया गया, साथ ही गोलीबारी भी हुई है जिसके अंदर एक शख्स की मौत हुई है। Zee News.